तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको नज़र आ रहा है कि मैं इस दफ़ा फिर चार्टन उखाड़ के कुछ ना कुछ कर रही हूँ। मतलब ये सिर्फ मैंने अभी स्केचिंग की है और दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। तो हाँ जी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले तो आई एम रियली रियली सॉरी क्योंकि मैं रेगुलरली अपने जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि क्या बताऊँ, लाइफ बड़े अजीब मोड पे चली गई है। एनीवेज ज़्यादा दुखी नहीं होते क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। मतलब विंटर शॉपिंग हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही, कभी कुछ लेना चले जाते हैं, कभी कुछ लेने चले जाते हैं। एनीवेज आज हम लेने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि घर पे पहनने के लिए जो लोकल किस्म के कपड़े होते हैं अगर वो लिनन में अच्छे आ चुके हैं तो हमें बाय करने चाहिए, क्योंकि मौसम जो है वो अब तेज़ी से चेंज हो रहा है। रोज़ ही ठंडी हवाएँ चल रही होती है, बारिश अगर होना स्टार्ट हो गई तो एकदम से सर्दी पड़ जाएगी और फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और कुछ हमने माटो के घर पहनने के लिए कुछ कपड़े हमने देखने थे, तो हमने कहा सोचा कि चलो चलते हैं बाजार। वैसे ना बड़े मज़े का तरीका है, वैसे इसमें रोस्टिंग मैंने बहुत देखी है जिस तरीके से मैं बोलती हूँ ना। एनीवेज इस चीज़ को इग्नोर करें, जो लोग न्यू हैं वो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मुझे पता चला लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता और बहुत दिनों बाद जाके वो मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर कमेंट्स उनके आ रहे होते हैं। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मुझे यहाँ पे ये याद आ रहा था कि लड़कियाँ वाकई ही पूरी की पूरी जो शॉप होती है वो कपड़े सारे निकलवा लेती हैं और फिर जो है ना उसमें से फिर भी सूट पसंद नहीं आता। आज मैंने कुछ ऐसा ही किया। एनीवेज ये है जी, एक प्यारी सी शॉप मुझे कोट मोमेंट में मिली है। मतलब मैं पछता रही हूँ, काश मुझे इस शॉप के बारे में पहले पता होता। ये बेसिकली राजा बाज़ार कोट मोमन के अंदर शॉप है, शहजाद की शॉप है, ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, उसका नंबर वगैरह भी मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे हमें बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे कपड़े मिले हैं। मतलब बहुत हाई फाई ब्रांड नहीं है, लेकिन मतलब हैं तो ये ब्रांडेड ही, लेकिन जैसे लोकल ब्रांड टाइप होता है ना, ऐसे मतलब लाहौर का हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ये उस टाइप का। लेकिन ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर लोग जो लोग मतलब अच्छे वाले कपड़े घर पर पहनाना चाहते हैं बच्चों को रेगुलरली, जो डेली वेयर के लिए यूज़ हो, तो इनके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट कपड़े हैं, हमें तो ये बहुत पसंद है। पहले तो जी क्या होता था, हमें कई दफ़ा अर्जेंट लेना पड़ता था, माटो के लिए कपड़े लेने पड़ते थे और हम इधर उधर सारा देखते थे कॉटमोन में, लेकिन कभी भी अच्छे डिज़ाइंस नहीं मिलते थे। मतलब अजीबो गरीब किस्म के डिज़ाइंस होते थे, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी मिलती थी। एक तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इनके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं। और ये आपको नज़र आ रहे हैं शहजाद जिनकी शॉप पर हम गए थे, और इनके पास ईच एंड एवरी थिंग गुड क्वालिटी में पड़ी है। मैं ख़ुद देख के हैरान हो गई हूँ। पिछले दिनों मैं पूरे कॉटमोन में, पूरे मार्ट में मैंने ढूंढा है सिटी सेंटर में कि मुझे करेयोंस मिल जाए, जो लिप करेयोंस होते हैं ना, ख़वातीन समझ गई होंगी। एनीवेज ये जी ये शहजाद गारमेंट्स के ऊपर जो है ना, इनकी शॉप के ऊपर पड़े हुए हैं जी करेयोंस भी पड़े हैं, इवन लिप लाइनर्स के करेयोंस। आई वाज सो हैप्पी इसको देखते हुए। फिर से हम पहुँचे क्योंकि मामा के ड्रेसेस के साथ हमने मैचिंग करनी थी अपने लेसेस की, तो फिर मैंने प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी लेसेस निकलवाई। और हालाँकि मामा कह रही थी कि भाई मैंने ये नहीं लगवानी, कुछ छोटी छोटी बारीक से, मैंने कहा मामा तुम सब्र करो, आज से आपकी फैशन डिज़ाइनर मैं हूँ और मैं आपके लिए सारी ड्रेसेस लिया करूँगी और मैं ही चीज़ें आपके लिए डिसाइड क्या करूँगी। मामा का एक दफ़ा मुंह तो बना, लेकिन उसके बाद वो खुश हो गई क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत प्यारी और अच्छी अच्छी डिसेंट सी चीज़ें सेलेक्ट की। एनीवेज ये हमारे फ्लाईओवर के ऊपर अजीबो गरीब सी पेंटिंग हो रही है। मतलब पहले थोड़ी चीज़ें थी जो मज़ीद ऊपर पेंटिंग की जा रही है। चलो देखते हैं कैसे बनती है ये पेंटिंग। एनीवेज जब हम घर पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारे तो गेस्ट आए हुए हैं और गेस्ट खा रहे थे खाना पीना, और फिर हमें भी मिल गया आते ही खाना पीना। चेरी तो वैसे ही खाने पीने पर बड़ी खुश होती है। फिर मामा ने आया सारा खाना और हम लोग बेहद बिजी हो गए, और फिर मैं क्लिप्स बनाना भूल गई कि मैंने व्लॉग भी अपलोड करना है। एनीवेज फिर मैंने पुलाव का प्यारा सा क्लिप बनाया क्योंकि मेरे व्यूवर्स को भी पुलाव बहुत पसंद है। तो जो लोग नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, और लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे गेस्ट जा रहे थे, और ये वो चार्ट हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे।
उस टाइम पे मैंने बिल्कुल ये थोड़ा सा ड्रॉ किया था, स्केचिंग की थी, और इसमें अब मैंने कलरिंग किया और ब्लैक के साथ आउटलाइन की है। बेसिकली हमारे स्कूल में होने जा रहा है लेक्चर मैंने देना है और उसके लिए मैंने ये चार्ट की प्रिपरेशन की है। तो जल्दी से बताएं चार्ट कैसा बना है। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात कि फ़लस्तीन के लिए कुछ कर नहीं सकते, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर सिर्फ उसके स्टेटस लगाएँ, आपको दुआ करना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनकी मुश्किलात को ख़त्म करें, उनकी जान माल घरों की इज़्ज़त फरमाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा जो है उसकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। और ये दिल से दुआ करनी है, और अभी भी सब लोग जो है आमीन लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखें या ना लिखें यार बोल दो, दिल से बोल दो, दिल से दुआ कर दो अल्लाह पाक सबको सेफ रखे। एनीवेज़ ये मैंने कुछ मस्तियाँ की हैं, रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ खाई हैं, तो एनीवेज़ तुम सब्सक्राइब करो।